माँ गंगा के पावन पवित्र घाट पर जीवन का घाट जीवन का पाठ ढूंढ लेना। बाहर की गंगा का पाठ तो हाथ लग गया, ये घाट हाथ लग गया। अब जीवन के घाट का जीवन के पाठ का पता लगा लेना। माँ गंगा के घाट पर बैठ गए जीवन के घाट को खोज लेना। यही हम सब का धर्म है। शीघ्रति शीघ्र अपनी ओर टर्न करना, अपनी सुरती अपनी चेतना अपनी कॉन्शियसनेस जो बाहर की ओर प्रवाहित रहती है वो अपने भीतर की ओर प्रवाहित होने देना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर की राह पर उतरते चले जाना, अपनी ओर निहारते चले जाना। वही देखना जो हो रहा है, अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कोई कोशिश नहीं करना, कोई किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करना। हम सब का स्वभाव है अकर्ता दृष्टा होकर के देखना, साक्षी हो जाना अपने भीतर का। अंधेरा है सन्नाटा है चहु और मन माया का पसार है। विचारों की गति विचारों की आवाजाही विचारों की चहल पहल विचारों का आवागमन विचारों की ट्रैफिक भीतर की राह पर बहुत नंबरलेस थॉट्स वेरी यूजलेस थॉट्स कमिंग अप फॉर यू। यू हैव टू सी ओनली सिंपली वॉच बी वॉचफुल। जागे जागे रहना पल पल जागे रहना। हर पल माइंड हावी है, माइंड बहुत अधिक तत्पर तैयार। एक पल भी आपका अवेयरनेस से हटा के उसने दबोचा। बहुत अवेयर रहना जैसे माइंड फुली अवेयर है आपको दबोचने के लिए पूरा तत्पर है। ठीक उसी तरह माइंड के प्रति जागे जागे हर पल गुजर रहे। हर पल वर्तमान हर पल तेरी स्वाभाविक स्थिति पल पल तेरा स्वभाव जगमगाए। यू आर ए सीयर यू आर ए विटनेस। सिंपली लुक सिंपली वॉच वॉच योर थॉट्स वॉच योर माइंड सिंपली वॉच बी वॉचफुल। ध्यान की बहती धारा में निरंतर स्नान होने देना माइंड का। शिव गंगा जैसे बाहर की ओर ऐसे शिव ध्यान भीतर की ओर। जैसे हम बाहर की गंगा में डुबकी लगाते हैं शाश्वत गंगा है दोनों ओर, आप उसी तरह भीतर गहरी डुबकी लगाना। प्रभु प्रेम प्रभु प्यास प्रभु की दीवानगी में गहरा डूबना। डेप्थ गहराई एकमात्र हमारा स्वभाव है, जीने का ढंग है जीने की कला है। हम कदाचित भी सीरियस ना रहा करें, हम केवल मात्र गहरे रहा करें। गंभीर नहीं गहरा, इंसान गंभीर नहीं होना चाहिए गहरा होना चाहिए। बहुत प्रूडेंस विजडम का मालिक होना चाहिए। अपनी प्रूडेंस अपनी विजडम
अपनी हंस बुद्धि को थोड़ा उघाड़ लेना, थोड़ा जगमगा लेना, धन्य धन्य हो जाओगी। आज माँ गंगा के तट पर भीतर की गंगा को प्रवाहित कर लेना, ध्यान गंगा श्रुति का सागर छलका लेना, गजब हो जाएगा। दोनों और नमस्कार, दोनों और प्रणाम, दोनों और समर्पित भाव तेरी जीवन को सच्चित आनंद से ओतप्रोत कर देगा। अवसर चुके ना, आविष्कार में उतरे रहना। मेडिटेशन इज ए सुपर साइंस, इनर लैब में उतरे रहना। अपनी सुरती द्वार पर डायरेक्ट प्रवेश करना, कहीं कोई पड़ाव नहीं चाहिए। हम सबके पास भीतर देखने की आंख है, हम उसको अवसर देवें जगमगाने का। वो आंख एकमात्र देखने की क्षमता, देखने का पोटेंशियल है। हम सबके पास बराबर भरपूर है, जैसे बाहर की ओर देखने का है ऐसे भीतर की ओर देखने का है। पलके मुंदा और देखना उद्घाटित हो गया, देखना स्वाभाविक हो गया। ये लगातार निरंतर बना रहे सहज अवस्था में। माइंड को कहीं भी किसी कंसंट्रेटिंग पॉइंट पर फोकस करने की आदत को भी देखने वाले होना, क्योंकि हमें अपने भीतर की आविष्कार में, अपने भीतर की सहज अवस्था को उपलब्ध होने के लिए डायरेक्ट हमारे पास अप्रोच है। हम सबके पास डायरेक्ट है, डायरेक्ट थर्ड आई, शिवनेत्र, इनर आई, डिवाइन आई, जो मालिक ने मानव जन्म में हम सबको बराबर दिया है। यही मेडिटेशन है, अपने को देखना, डायरेक्ट वॉच करना, विचारों को, विकारों को, अंधेरों को, सन्नाटों को, जो भी स्थिति बनती है आप उसको जाके जाके देखते रहना। केवल देखना, कहीं लिप्त नहीं होना, कहीं लॉस्ट नहीं होना, कहीं खोना जाना। हो जाते हैं आदतवश आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, माइंड के साथ पुनः पुनः आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। ये अपने आप टूटती चली जाती है। जब तुम जागते हो तुम्हें अनुभव होने लगता है कि मैं पुनः पुनः माइंड के साथ चला गया, माइंड के साथ उतर गई, माइंड के साथ चली गई, माइंड में चला गया, माइंड में पुनः खो गया, लॉस्ट हो गया, पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पर झूलने लगा, मैं पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स में गुम होने लगा। हो गया, आपको अनुभव होगा, आप पुनः जागोगे, पुनः जानोगे अपनी भीतर की स्थिति को। जागना ही जीवन है और यही जीने का ढंग है, जीने की कला है। बाहर की तरह भीतर की ओर जागना, दोनों ओर जागना, दोनों ओर की जागरूकता जीवन को तीर्थ बना देगी। यही है गंगा घाट का सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ा उपहार है भीतर के घाट का पता लगा लेना। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर प्रदान करती है माँ गंगा। अगर उसके घाट पर बैठ करके भीतर के घाट को ढूंढा जाए तो बहुत शीघ्र आप अपने लक्ष्य की ओर फलित होते हो, अगर ऐसा कोई कर पाए। वरना हर हालत में, हर जगह, हर स्थान पर, हर देश काल स्थिति में ये संभव है। लगातार भीतर की ओर जागे जागे देखने के प्रोसेस में निरंतर बने रहना। बहुत सहज सरल साधारण रूप में भीतर की हर एक स्थिति और हालात को मुदित भाव में देखते रहना। थॉटलेसनेस की स्टेट को उतरने देना, तुम अवसर देना अपनी थर्ड आई को, अपनी इनर आई को, अपनी स्वाभाविक स्थिति को जगमगाने का। पुनः पुनः लौटते चले आना अपने स्वभाव में। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड। ये डिस्टेंस माइंड से थोड़ा
डवाल पौने देना, तमाम विचारों की दुनिया से थोड़ा हट कर के देखना, तुम जागे जागे देखना, तुम थोड़ा सा डिसआइडेंटिफाइड होके देखना, किसी भी थॉट के साथ आइडेंटिफिकेशन थॉट को मल्टीप्लाई करती चली जाती है। ये मल्टीप्लिकेशन ऐसा जाल है कि जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप पुनः जाग नहीं पाती और अवसर समय सारा माइंड के हाथ चला जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं है, केवल इग्नोरेंस है, ड्यू टू हैबिट। जैसे ही तुम्हें पता चल रहा कि हमें जागना है तो अवश्यमेव जागोगी, अवश्यमेव अपनी सुरती संभालोगी, क्योंकि वही है सच्चित आनंद, सुरती का जगमगाना, प्रकृति की पावन छटा में अपनी छवि उघाड़ लेना, तो हम अपनी को ढूंढ लेना, अपनी को खोज लेना, अपनी को लब लेना, यही एकमात्र जीवन का लाभ है। भीतर बाहर आनंदित होना, माँ गंगा की उठती हुई लहरें तुम्हारे चेहरों को कैसे प्यार प्रेम पूर्ण होकर के छू रही है, क्या गजब प्रेम दे रही है माँ गंगा, क्या गजब तुम्हें भीतर की ओर उतारती चली जा रही है। ठीक ऐसे ही ध्यान गंगा में स्पिरिचुअल मास्टर की उठती हुई प्रेम प्यार मोहब्बत की लहरें तुम्हें लोरियां देती है, तुम्हें भीतर की ओर जगाती चली जाती है। ध्यान गंगा इसी तरह से आपको प्रेम पूर्ण बनाती चली जाती है, बाहर की प्रकृति में भीतर की प्रकृति को पूरी तरह से जान लेना, दोनों ओर जानकारी, दोनों ओर की पहचान, दोनों ओर का सौंदर्य पिरो लेना, धन्य धन्य हो जाओगी। Meditation is must in modern time for good health and mental peace. Secondly, you become sharp in all spheres. Thirdly, you can become divine in this very life if you meditate more and more. Puna puna jagana. पुनः पुनः अपनी सुरती में लौटते चले आना, माइंड को डायरेक्ट वॉच करना, भाप लेना इसके स्वभाव को, इससे छुटकारा पा लेना ही एकमात्र मोक्ष मुक्ति है। माइंड से स्वतंत्र होना अल्टीमेट फ्रीडम, टोटल फ्रीडम है। पुनः पुनः जागना, माइंड इज ए मैटर, आप तनिक मात्र भी प्रॉब्लम समस्या कदाचित भी किसी प्रकार की कठिनाई मत समझना, ये बहुत सहज सरल साधारण है। अगर हम माइंड के साथ जुड़ सकते हैं तो माइंड से हट भी सकते हैं, माइंड को हटाना नहीं, मन को हटाना नहीं, मन से हटना, तुम स्वयं हटना, वो तो जड़ तत्व है, उसको क्या हटाना, तुम स्वयं हटना। जैसे तुम माइंड में लॉस्ट हुए हो ड्यू टू इग्नोरेंस, उसी तरह तुम अपनी अवेकनिंग में, अपनी अवेयरनेस में लौटना, पुनः पुनः जागना, अधिक से अधिक सुरती कमाना, समृद्धि, रिमेम्बरेंस, सेल्फ रिमेम्बरेंस ड्वेल होती जाए। लगातार भीतर की ओर पलके मुदते ही 80% एनर्जी भीतर की ओर प्रवाहित होने लगती है, तुम स्वतः ही शांत होने लगते हो, बहुत मुदित भाव में जागे जागे, नॉन डूइंग की स्टेट में माइंड की डूइंग्स को देखता रहना, अंधेरे सनाटे विचार सब माइंड है, सब मन का पसारा है,
भीतर चाहूं और पसारा माइंड का। मास्टर तो कहीं है ही नहीं, तुम स्वयं कहीं नहीं हो, तुम स्वयं देख लेना। आप अपने को खोजना, अपने को ढूंढना, यही धर्म है, यही इशारा है धर्मशास्त्रों का। प्रैक्टिकली उतरना इसमें, अपने को खोज लेना, अपने को ढूंढ लेना। सुपर साइंस के द्वार पर की लैब में, लेबोरेटरी में, बिकम सुपर साइंटिस्ट, इनर साइंटिस्ट। आज जरूरत है भारत माँ को, भीतर के वैज्ञानिकों की। सब लुप्त प्राय हो गया, सब बाहर ही बाहर खोज रह गई, भीतर की खोज सब लुप्त हो गई। इसी कारण इंसान इम्बैलेंस में उतर गया। आप अपना जीवन संवारिए, सुधारिए, अपना जीवन संभालिए, दोनों और अपनी आंख जगमगाइए। ये संभावना, ये पॉसिबिलिटी हम सबके द्वार पर बराबर है। आप डिस्कवर कीजिए अपने आप को। देखने मात्र से होगा, जागने मात्र से होगा। अपनी सुरती में लौटते ही ये परम घटना स्वयं घटित हो जाती है। जागो रे सोने वालों, कोई तुम्ही जगानी आया। मेडिटेशन का मौसम तुमको मस्त बनाने आया। मेडिटेशन का मौसम हमको मस्त बनाने। जागो रे सोने वालों, जागो रे सोने वालों, कोई तुम्हें जगाने आया। मेडिटेशन का मौसम हमको मस्त बनाने आया। मेडिटेशन का मौसम तुमको मस्त बनाने आया। तुम्हें जगाने आया, तुम्हें जगाने आया। मस्ती में डूब कर, ध्यान की मस्ती बाहर डूब के बहुत देखा तूने, कभी अपनी भीतर भी डुबकी लगा के देखना, अपने अंतस में डूब के देखना। क्या अद्भुत, अद्वितीय, क्या अनमोल, कोहिनूरों का कोहिनूर जगमगाता है तेरे अंतस में। अपनी अंतस ज्योति में उतर के देखना, तुम अपनी और थोड़ी नजर लगा करके देखना। अंतस ध्यान की धारा में, मेडिटेशन में थोड़ा सा उतर के देख। आह, बाहर की गंगा धारा, माँ गंगा धारा की तरह भीतर भी आनंद मस्ती की धारा, प्रेम प्यार मोहब्बत की धारा। क्या गजब की सरल सहज विनम्र धारा, निराहंकार निराभिमान की धारा। क्या गजब डिवाइन नेचर, जहां तेरा सारा का सारा ह्यूमन डिवाइन क्वालिटीज का भंडार जगमगाता है। अरे बाहर के ध्यान की मस्ती तो तूने खूब देखा, किंतु तो मनोरोगी होके आया। अब थोड़ा ध्यान अंतस ध्यान की मस्ती में उतर के देख, मालिक होकर के आएगा तू। हम गारंटी देता है, मालिक होके आएगा, सुखद स्वस्थ होकर के आएगा,
सदा के लिए आनंदित होकर आएगा, सच्चित आनंद का स्वरूप होकर के आएगा, तो घर थोड़ा सा अंतस ध्यान की धारा में भी प्रवाहित होके देख, थोड़ी प्रायोरिटी भीतर भी दे, जहां सदा सदा के लिए जीवन छलकता है, सदा सनातन एवरलास्टिंग जीवन जगमगाता है, वहां सूर्यों का सूर्य तेरा चेतन, तेरा कॉन्शियस, क्या गजब स्वरूप है तो परमात्मा का, परमपिता का, परमात्मा का, निराकार महाशक्ति का साकार रूप होके आया है तो कितना विचलित, कितना दुखद जीवन जीता है तो तेरे को अपने आप पे तरस नहीं आता कि साकार रूप परमात्मा का होकर के, विराट रूप परमात्मा का होकर के कितना कशुद्र होके जी रहा है। क्यों? मन के हाथ लगा है, मास्टर के हाथ नहीं लगा। यही इग्नोरेंस तेरी सारी विद्वत्ता को मिट्टी में मिला के रख देती है। इसको विदा कर। क्या पढ़ा लिखा है तो क्या तू एजुकेटेड है, क्या तू इतना बड़ा विद्वान बनता है, तेरा भीतर तो तुझसे संभाला नहीं जाता, तू अपने को तो जानता तक नहीं, अपने भीतर को तो तनिक मात्र भी जाना नहीं, पहचाना नहीं, अपने आप से मुलाकात नहीं, और तू बड़ा विद्वान, बड़ा लर्नड, बड़ा फिलोसोफर, बहुत बड़ा एजुकेटेड कहलाता है, तो निरा अनपढ़ है, अपढ़ है, गंवार है, अगर तू अपने को ही नहीं जानता। ध्यान की मस्ती में डूब कर, अंतस ध्यान मेडिटेशन, अंतर्मुखता, ध्यान की मस्ती में डूब कर हमें एक हो जाने दो, जीव और ब्रह्म, आत्मा परमात्मा, मैं और तू, ध्यान की मस्ती में डूब कर हमें एक हो जाने दो, जन्मों जन्मों की उठी प्यास को, अब तो तृप्त हो जाने दो, खेल लो तुम दिलों की होली, खेल लो तुम दिलों की होली, खेल लो तुम, खेल लो तुम दिलों की होली, कोई खिलाने आया, मेडिटेशन का मौसम हमको मस्त बनाने आया, मेडिटेशन का मौसम तुमको मस्त बनाने आया, जागोरी सोने वालों, मन की गोदी में अब अधिक देर नहीं सोना है, अब अपनी होश में, अपनी जाग में, अपनी याद में होना, अब अपनी याद में होना, छिपी हो आंख मिलाकर, ओ मालिक, ओ मुर्शिद, ओ साहिबा, ओ मेरे सच्चे साथी, ओ मेरे सच्चे मित्र, सच्चे हितैषी, यार, यारों के यार,
कहाँ छिपे हो तुम आँख मिलाकर, कहाँ छिपी हो आँख मिलाकर मेरी सोई प्रीत जगाकर, कहाँ छिपी हो आँख मिलाकर मेरी सोई प्यास जगाकर, बार बार मैं लो अंगड़ाई चैन गया रुनी, बार बार मैं लो अंगड़ाई चैन गया रुनी नाई, भोर का पंछी देख जरा मालिक पुकार के, बोल उठा मालिक ने संवाद में क्या गजर, अपनी ग्रेस अपनी रहमत उतार दी, क्या गजब कहते हैं। भोर का पंछी देख जरा, भोर का पंछी देख जरा, भोर का पंछी देख जरा, क्या गीत सुनाने आया, जागो रे सोने वालो कोई तुम्हें जगाने आया, कोई तुम्हें जगाने आया, कोई तुम्हें जगाने आया।